सो हेलो एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आवाज़ आ रही है मेरी चलिए सो so, उम्मीद कर रहा हूँ कि वॉइस क्लियर होगी सभी को प्लीज़ एक्नोलेज कर दीजिए बच्चे कह रहे होंगे सर आज थोड़े से लेट हो गए पांच मिनट जी हाँ तकनीकी की खराबी जो है वो चलते हुए थोड़ा सा खैर कोई बात नहीं सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई थिंक काफी लर्नर्स में देख पा रहा हूँ आवाज़ क्लियर है सब ठीक है कोई दिक्कत यस और नो प्लीज आप जरा जल्दी से बता दीजिए शुरू करते हैं फिर सेशन को हम लोग जी सर चलिए सो आ, जो है आज की क्लास मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इनफैक्ट वेट भी काफी लर्नर्स को था कि सर एन शुरू करिए तो सर क्लास सिक्स से ही एनसीआरटी कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि सर आप चैप्टर टू से क्यों शुरू कर रहे हो वन से क्यों नहीं कर रहे हो कभी आप कक्षा छठवीं की एन ओपन करना और उसमें जो है आपको सीधा ये लोग ब्रह्मांड की ओर ले जाते हैं है ना मतलब कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर बैठ के ब्रह्मांड को पढ़ो मुझे ऐसा लगता है कि पहले पृथ्वी को समझना थोड़ा ज़रूरी है फिर ब्रह्मांड को पढ़ा जाएगा कहने का मतलब ये पहला ही सेशन है चैप्टर टू से ही मैं पढ़ाऊंगा वन नहीं पढ़ाओगे क्या सर फिर वन भी पढ़ेंगे लेकिन उसको समझने के लिए या उसको फील करने के लिए थोड़ा हम और बेहतर तरीके से डेवलप हो जाते हैं ताकि चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाए ठीक है चलिए सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग वही मैं देख पा रहा हूं कि जो है काफी छात्र आ चुके हैं अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये लगभग डेली सीरीज रहेगी मतलब सिक्स कंप्लीट करेंगे फिर सेवेंथ एट नाइन्थ इलेवन तक पहुंचेंगे हम लोग इस तरह से और ये ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चलता रहेगा करके बहुत जल्दी वाइंड अप करेंगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लंबे समय तक इसको हम लोग लेकर चले ठीक है।, है तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना यहीं पर अब मैं मिलने वाला हूँ यूट्यूब पर और यहीं से जो है हम आगे की अब क्लासेस जो है देखेंगे जिसमें आपको भी एक वन स्टॉप पैटर्न मिल जाए इसके साथ साथ जो है ये कल ही हमने प्लान कर लिया था और आज हमें नोटिफिकेशन मिल गया ट्वेंटी ऑफ जून तैयार हो जाइए क्वेश्चन के पैटर्न को साथ में चलूंगा मैं लेके ताकि समस्या ना हो और वैकेंसी तो सबको लगभग अब तक पता लग गई होंगी फॉर्म जो है समय से भरना है डेट मैं आपको एक बार बता देता हूँ जी हाँ इसके साथ साथ जो है नए बैचेस भी प्रारंभ हो रहे हैं अनकेडमी पर और दस मार्च से शुरू हो रहा है प्रिलिम फोकस बैच होंगे बिल्कुल जहाँ पर आप अपकमिंग तीन से चार महीनों के अंदर जो है इंग्लिश बायोलिंगल पैटर्न पे बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को प्रिलिम्स के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं अपने आप को और अनकेडमी कॉम्बेट भी आ रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है जी हाँ तो इसको भी जो है मिस नहीं होने देना ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और इसको जब भी आप एनरोल करते हैं तो हो सके तो इस कोड से आप एनरोल करिए और सब्सक्रिप्शन के दौरान भी एस डी वाई टी वन जीरो से आप सब्सक्राइब करिए ठीक है शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर जो वन था पहला नंबर चैप्टर जो है चाहे तो आप एन सी आर टी ओपन करके मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे तो कर सकते हैं ओपन करके पढ़ सकते हैं बट यहां ध्यान दो आप है ना वो बुक तो बाद में आप देख लेना आप देखोगे कि एक एक लाइन सर ने कवर करा दी जो काम की थी उसने ठीक है सर जी हाँ ये जोग्राफी से रिलेटेड एन है और मैं इंतजार भी कर रहा था आई थिंक सब लोग आ गए हैं अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास को बिल्कुल अब सुनिएगा जरा ध्यान से छठवीं के एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है मतलब कुछ लर्नर को ऐसा लगता है कि सर बनना कलेक्टर है आई और आप सिक्स से शुरू करते हो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिनको थोड़ा बहुत भी अपने नॉलेज पे ऐसा लगता है कि यार मैं जोग्राफी में कहीं कमज़ोर हूँ या कुछ क्वेश्चन मेरे कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या कोई चीज़ जब कोई समझ में या कोई समझाने का प्रयास करता है तो मुझे एकदम से थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में लेट समझ में आता है मतलब कोई समस्या नहीं आप छठवीं से अपनी परीक्षा को या छठवीं से अपने नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें ठीक है आप देखेंगे कि ये सिक्सथ क्लास के चैप्टर्स आगे आपको कितनी मदद करेंगे इसीलिए ये सिक्स्थ से शुरू करने का सिर्फ एक मकसद है कि आपके जो बेसिक्स हैं उनको मैं स्ट्रांग बना सकूं ठीक है लेकिन एक बात यही रहेगी कि अब आपको डेली आना होगा क्योंकि ये सीरीज सिर्फ आप लोगों की एनर्जी के कारण ही शुरू हो पाई है यदि एनर्जी आगे तक बनती जाएगी मैं लेसन्स लाते रहूंगा ये बिल्कुल आज आप सभी लोग कह रहे हैं क्लास से शुरू करने से पहले ठीक है तो ये सिर्फ आप ही के लोगों के कारण ही शुरू हुई है सीरीज जितने भी बैठे हो आप जो आए हो रेगुलर नौ बजे का टाइम है दोनों माध्यम में समझा दूंगा मैं सब कुछ ठीक है सो लेट स्टार्ट एनसीआरटी ओपन करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर वन तो ठीक है सर पढ़ लेंगे हम ब्रह्मांड मैंने आपसे कहा ब्रह्मांड को जब पढ़ना है तो ब्रह्मांड से पहले आप चैप्टर नंबर टू को पढ़िए क्यों पहले पृथ्वी पर रह के ब्रह्मांड को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है आप सबसे पहले पृथ्वी को ही समझ लो उसके बाद ब्रह्मांड बहुत अच्छे से समझ में आएगा कहने का मतलब पहले हम अर्थ को हमारे समझते हैं अब जैसे ही चैप्टर ओपन करते हो आप तो वो एकदम एन की आप पहली लाइन पढ़ना कभी भी है ना पहली लाइन जब आप पढ़ोगे तो वो आपको बातों में लगा लेगी बातों में लगा लेगी आओ करो बातें करो जो है और फिर धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बातों में परेशान हो गए हो बिल्कुल और जो काम की चीज़ें थी वो वहीं छूट गई इसका फायदा यहाँ पर होने वाला है कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ में मिलते चले जाएंगे जो एक्चुअल में आप अंडरलाइन करते हो ना जो एक्चुअल में लिखने का प्रयास करते हो वो काम की चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला पैराग्राफ जब आप एन सी के लिए क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू जो है उसको शुरू करोगे तो उसमें पूरी बातें करते 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 आखिरी में आप आते हो और फाइनली एक वर्ड निकल के आता है दैट इज़ ग्लोब अब ग्लोब उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं जो बचपन में प्रिंसिपल के ऑफिस में आप देखते थे जी हाँ वही ग्लोब है और ग्लोब मतलब क्या सिंपल किसी भी चीज़ का एक मॉडल मतलब यहाँ मॉडल किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अर्थ भाई पूरी पृथ्वी को जब मैं अपने गाँव को अपने घर से बैठे नहीं देख सकता अपने शहर को पूर्ण रूप से नहीं देख सकता तो इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे देखूंगा तो ग्लोब क्या है ग्लोब उस पूरी पृथ्वी को मेरी आंखों के सामने लाने का एक तरीका है एक मॉडल है सर सिंपल तो बहुत बेसिक चीज लिखी हुई है कि एक मिनिएचर फॉर्म है ठीक है पता है एकदम छोटा फॉर्म क्यों ताकि मैं एक पूरी पृथ्वी को एक तरह से देख तो पाऊं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं कुछ बातें करूं मैं कि सर ये चीज तो साउथ अमेरिका में हो रही है तो मुझे पता तो रहे कि साउथ अमेरिका कहाँ है सिंपल तो घर बैठे बैठे देखने का सही तरीका है पृथ्वी को एंड दैट इज द ग्लोब और सिंपल सी बात है इसमें वो जो कह रहा है क्या कह रहा है ट्रू मॉडल ये बहुत काम की चीज है ऐसा नहीं कि जो है जैसी पृथ्वी है उसको अलग बना दिया कि पृथ्वी एक्चुअल में स्फीयर है और आपने ग्लोब जो देखा वो रेक्टेंगल पैटर्न पे देख लिया कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप में जो है एक तरह से ट्रू मॉडल है ट्रू मॉडल में इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं आपने कभी भी देखा होगा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके वो ग्लोब जो है सीधा नहीं लगा रहता है थोड़ा सा टिल्ट रहता है देखा है आपने कि नहीं देखा है हाँ 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 या ना तो यार आंसर तो दे ही सकते हो आप लोग ग्लोब जो है वो टिल्टेड के फॉर्म में रखा रहता है मैं देख रहा हूँ जरा लाइव कमेंट भी दिख रहा है मुझे सबका हाँ, तो वो ट्रू मॉडल प्रूव कर रहा है क्यों क्योंकि आपकी जो अर्थ जो आपको दिखती है ना वो एक्चुअल में इसको देखो जरा आप एक्चुअल में होना क्या चाहिए था सीधे पे अक्ष पर पृथ्वी का जो अक्ष है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था नाइनटी डिग्री पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल पर प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ी सी टिल्टेड है टिल्टेड कितना तो कोई पूछे तो याद रखना ट्वेंटी थ्री एंड हाफ पृथ्वी का अब इससे होता क्या है ये क्या है सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जल्दी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना ये डायग्राम को इस चीज को देखो आप कि होना ये बिल्कुल सीधा चाहिए था ऐसा लेकिन ये कुछ एंगल से जो है ये टिल्ट हो गया है और वो जितना टिल्ट हुआ है वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ है बहुत काम की चीज है सर ये बहुत काम की चीज है और यही का यही टिल्टेड पैटर्न आप देखते हो इसीलिए उन्होंने पहले एन में लिख दिया कि ये एन झूठ नहीं बोल रही है जो है वो जो भी आप देख रहे हो वो अपने आप में ट्रू मॉडल है ट्रू मॉडल मतलब ये कि अर्थ को जब भी आप ग्लोब को भी आप जब देखते हो तो वो एक्चुअल में ऐसा स्ट्रेट नहीं दिखाई देता वो लगभग ट्वेंटी थ्री एंड हाफ की डिग्री से जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो टिल्टेड होता है दूसरी बात कहीं कहीं कुछ बुक जब आप पढ़ोगे ना तो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ लिखा रहता है फिर ब्रैकेट में देखना एक शब्द लिखा रहेगा प्लेन के सापेक्ष प्लेन तो कुछ नहीं है नाइनटी में से इसको घटा देना बचा हुआ जो प्लेन रिस्पेक्ट रहेगा जो ऑर्बिटल प्लेन होता है आगे पढ़ेंगे हम तो रिमेनिंग क्या बचेगा सिक्सटी सिक्स एंड हाफ तो जो रिमेनिंग एंगल है इंडायरेक्टली उसके बारे में बात कर रहा तो पढ़ते समय सिक्सटी सिक्स एंड हाफ भी आ जाना तो घबराने का नहीं बिल्कुल ठीक है सब पढ़ा हुआ है अब आपने कोई समस्या यहां तक किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ठीक है मैंने आपसे कहा है बार बार याद रखना ये सीरीज पहली क्लास आज है ये सीरीज कंटिन्यू तभी होगी जब आपकी ऊर्जा इसी तरह से क्लास में बनी रहे ये सिर्फ आप ही लोगों के कारण शुरू हुआ है जितने भी फ्री छात्र जो डेली मेरे साथ क्लास में जुड़े होते हैं इस बात को भूलना नहीं ठीक है आ गई बात समझ में तो पहली चीज हो गई ग्लोब की बात दूसरी बात कर रहा है वो एक्सिस अब एक्सिस जो है प्लीज ध्यान से सुनेंगे एक्सिस क्या होता है एक्सिस किसी भी चीज में जनरली आप खुद इमेजिन करो वो अच्छे से इमेजिन भी देखो मैंने कहा ना एनसीआर करती है कभी -कभी बात भी कर लिया उससे। क्या? तो उसके बीच में उसको घुमाने के लिए आपके पास एक बढ़िया से निडल होती है जिसको घुमा के आपने देखा भी था क्योंकि जब भी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे तो मन तो करेगा यार एक बार थोड़ा घुमा ही लेता हूं मैं जगह रहती नहीं है फिर भी वहां पर कोशिश तो हमने की है तो जो निडल रखा हुआ है जिसके जिसके सापेक्ष ये रोटेट करने का प्रयास करता है, घुमाने को तो क्या हम मनमर्जी से उसको कहीं भी घुमा देते हैं लेकिन आज याद रखना ये अर्थ जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट ही रोटेट होती है समझ में मेरी बात। में तो अब जो है इधर घुमा के देख लू तो वो अब आपके ऊपर है लेकिन प्रकृति के अनुसार तो जो रोटेशन हो रहा है उसका पश्चिम से पूर्व हो रहा है इस बात को थोड़ा सा याद रखना आ गई बात समझ में ठीक है नाउ तो बस वही बात कह रहा है कि जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग या जिस एक तरह से जिस रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रही होती है उसको हम एक्सिस कह रहे हैं हो सकता है कुछ बच्चे जो एडवांस हो चुके हैं मेरे साथ पढ़ते पढ़ते उनको लगे कि अरे यार तो बहुत बेसिक हो गया है मैं समय तो नहीं खराब कर रहा हूँ चिंता मत करो ज़्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं लेंगे हम लोग कि खूब जो है दो दो घंटे पढ़ रहे हैं बिल्कुल कम समय में और आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपका वोकेबलरी जोग्राफिक जो वर्ड है वो सुधरेगा कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा ठीक है तो हर चीज में थोड़ा सा सही ध्यान नजरिए की जरूरत है बाकी तो बहुत कुछ सीख जाओगे सिंपल अब क्या करोगे अब ये दो पॉइंट है निडल आपने लगाई तो कहां जाओगे आफ्टर ऑल नॉर्थ पोल पे जाओगे और साउथ पोल पे जाओगे हमेशा याद रखो कुछ जो नए छात्र हैं जिनको थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद समझ में आता है ज्योग्राफी में एक चीज हमेशा याद रखना ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट ठीक है जो ध्रुव तारा होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम ये नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि सेम जो आप अर्थ पढ़ रहे थे तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो टिल्टेड पैटर्न है इसको आप नॉर्थ पोल कहिए उत्तरी ध्रुव करिए और इसको नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव करिए ठीक है डन यहां तक समझ में आ गया एक्सिस वर्ड कि जिस पैटर्न पे ये रोटेट होने का प्रयास कर रही है जी हाँ यहां पर और आप अच्छे से देख लो और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि दिस लाइन ये लाइन आप एक्सिस कह सकते थे बट एक्चुअल में अब ये टिल्ट हो चुकी है तो ये अपने लिए फिलहाल एक्सिस हो गया एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ठीक है ट्वेंटी आप अच्छे से याद कर ले जिनको अब आप जब खुद एनसीआर तो यही काम के पॉइंट आपके लिए निकल के आएंगे आगे बढ़ जाते हैं अब ये अर्थ को देखा आपने तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मैप ऐसे मिलते हैं पढ़ते है ग्लोब है अब मैप हम ये लगा लेते हैं। तो हमेशा याद रखना ये भी एक ग्लोब ही है कहने के लिए ये एक रेक्टेंगल है मान लो ये रेक्टेंगल है इसको ग्लोब बनाओगे तो कैसे बनेगा इसको फोल्ड कर दो इस ए वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट से जोड़ दो ऐसे करके आप ऐसे जोड़ दो तो ये भी एक सर्कुलर पैटर्न पे आ जाएगा बाद में पता लगेगा अरे सर इसको और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पास में आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका और एशिया है सर पास में है वो गोल करोगे तो ऐसे ही निकलेगा आगे अपन समझ लेंगे चिंता ना करो ना अच्छा हाँ ध्यान रखना आगे अपने को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक पढ़ना है सब पढ़ेंगे हम लोग ठीक है अब इन्होंने क्या बोला है इस लाइन में थोड़ा सा प्लीज आपने गौर किया होगा कि जो रियल अर्थ है उसमें कोई निडिल नहीं है हाँ ये सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर जो क्या को है कोई निडिल निडल नहीं आई है सिर्फ इमेजिनरी हम लोग ले रहे हैं कि हाँ ऐसे घूम रही है मतलब ये पॉइंट अपना नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया तो ये इमेजिनरी है ध्यान रखना तो कल को कोई बेसिक एग्जाम में आ जाए तो याद रखेंगे कि एक्सिस कोई एक्चुअल एक्सिस नहीं कि वहां जाके बना दिया दैट इज़ ओनली इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वेटर बहुत सुना है ये वर्ड सुना है कि नहीं आज दोनों चीज़ सिखा दूंगा मैं कि ये है क्या और आया कहां से पहले है क्या समझ लेते हैं आया कहां से वो भी देख लेंगे ठीक है इक्वेटर हिंदी माध्यम के छात्र इसको हम लोग कहते हैं दो शब्दों से परेशान करेगा आपको आप हमेशा ये या तो रेखा के नाम से या भूमध्य रेखा के नाम से ठीक है भूमध्य भूमध्य रेखा या ठीक है चलो अब देख लेते हैं कि है क्या अब पहले तो आया कहां से उसको देखने की जगह प्लीज याद रखना कि है क्या फिर से बोल रहा है देखो इमेजिनरी लाइन पृथ्वी पर क्या है ना एक्चुअल में जब इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो कोई भी एक्चुअल चीज नहीं होती वो बाद में बाद में पता लगता है कि ये तो सर एक इमेजनरी था सुन लो कुछ नहीं है हिंदी में कभी कभी कोई चीज पढ़ने में बहुत फायदा होता है क्या लिखा है उसने भू मध्य रेखा भू मतलब अर्थ अर्थ ये अर्थ बना दी मध्य बीच में से रेखा लाइन ठीक है बहुत आसान हो गया अब फिर से एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और चीजें इमेज में बननी चाहिए क्या बोला उसने हिंदी में भू ये भू बना दिया मध्य मतलब मध्य और फिर रेखा मतलब ये लाइन कुछ नहीं है सिंपल इक्वेटर जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे दैट इज द इक्वेटर टू इक्वल पार्ट ठीक है टू इक्वल पार्ट कर दिया अब कुछ नहीं है अभी सिखाया था जब भी जीवन में इसके ऊपर जाओ क्या बोलोगे नॉर्थ बोलोगे इसके नीचे आओ क्या बोलोगे साउथ बोलोगे हो गया आसान तो नॉर्थ और साउथ फिर आगे एक वर्ड मिलेगा हेमस्फियर तोड़ लो जब कुछ चीज ना समझ में आए तोड़ लो डिवाइड एंड रूल स्पीय ये हो गया अपना स्पियर ठीक है हेमी मतलब आधा ये हो गया तो कुछ नहीं किया इक्वेटर एक वो लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से गुजर रही है उसने पूरी पृथ्वी को दो हेमिस्फियर में डिवाइड कर दिया है नॉर्थ ऊपर जाओगे तो नॉर्थ हेमिस्फियर नीचे आओगे तो साउथ हेमिस्फियर ठीक है अब कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या यहां तक प्रॉब्लम कोई दिक्कत ठीक है तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल हेमिस्फीयर का मतलब समझ में आ गया हिंदी माध्यम गोलार्ध गोले का आधा अगली लाइन देखो वो यही कह रहा है सदन हाफ इज नोन एज सदन हेमिस्फीयर इतनी बढ़िया एनसीईआरटी है मैं बता रहा हूं जिसने ज्योग्राफी पढ़ने का कभी सोचा भी होगा ना इन एनसीईआरटी से इतना ज्ञान मिलेगा आपको कि आप कहोगे कि मजा आ गया जो है तो ये सदन हेमिस्फीयर मतलब नीचे वाला और ये नॉर्थ ठीक है अब समझ में आ गई बात तो इक्वेटर क्लियर इक्वेटर से फायदा क्या हुआ पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर अब इसको देख के अचानक आपने बोला कि सर ये है आपकी इक्वेटर लाइन प्लीज़ ध्यान से रुकना प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो लेते चलो ये है अपनी पृथ्वी हमेशा भारत को देख के कंपेयर करना चीज़ें इंडिया के अकॉर्डिंग इक्वेटर कहाँ आ रहा है नीचे तो ये हर चीज़ जो है ये हिस्सा जो है पूरा कौन से हेमिसफियर का आ गया नॉर्थ और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया साउथ ठीक है अब क्लियर है अब कोई प्रॉब्लम चलो अब आगे बढ़ जाते हैं यहां तक तो सबको समझ में आ गया आगे बढ़ो नेक्स्ट इज लैटिट्यूड अब लैटिट्यूड क्या होता है ये बड़ी समस्या है अब सर ये वो टाइम आ गया है जो बचपन से आप सुनते तो आ रहे हो लेकिन एक्चुअल में पता नहीं लग पाया कि क्या है ये तो इसका बहुत बढ़िया तरीका है थोड़ी देर एनसीआरटी से अलग हो जाओ और मेरी बातों पर फोकस करो ठीक है और बहुत चीज़ इतनी आसान कर दूंगा मैं कि ये नॉर्मली मतलब कुछ भी नहीं लगेगा कुछ भी नहीं था ये सबसे पहली चीज एक लैटीट्यूड वर्ड आप सुनते हो हिंदी माध्यम में बार बार हो सकता है लेटिट्यूड वर्ड के लिए आप लोगों के लिए अक्षांश बोल नहीं पाऊंगा अक्षांश कह रहे हैं उसको हम लोग है ना दिस इज अक्षांश और लॉन्गिट्यूड के लिए भैया इसको हम देशांतर बोलेंगे ठीक है तो देशांतर और अक्षांश को आप समझ लीजिएगा कि अगली बार सर देशांतर कह रहे हैं मतलब लॉन्ग जाओ लॉन्गिट्यूड को लेटिट्यूड को याद रखना है ठीक सुनिएगा प्लीज जरा सब लोग अब ये लेटिट्यूड क्या हो रहा है तो इसको समझ लेते हैं प्लीज ध्यान से सुनना ूड जब भी कभी कोई पूछे ना आपसे तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए कमेंट में सब लिखेंगे जितने बैठे हो कारण उसका यह है कि दिमाग में आज के बाद यह कभी हिलेगा नहीं फिर ठीक है लिख दो जरा सब लोग एंगल एक कोण है ये लैटीट्यूड क्या है सर एक एंगल है कोण है लिखो लिखो आनंद आने वाला है आज जी हाँ लिख दो जरा मैं मुझे मत पता तो रहा है कि कौन कौन बैठा हुआ है यहां पे गजब बहुत बढ़िया अब देखो ये एंगल है मतलब क्या प्लीज ध्यान से समझेंगे इसको भी अब प्रूफ करेंगे अपन कुछ मत करिए आप आप इस पृथ्वी को देखिए ये दो अर्थ दिखाई मतलब अर्थ दिखाई दे रहे हैं इसके दो तरीके आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं एक को हमने क्या किया है थोड़ा सा पृथ्वी को बीच में से एकदम कट कर दिया है बीच में से कट कर दिया मतलब कुछ ऐसा ये ऐसा इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया केंद्र बिंदु हो गया ठीक है और इधर आप आओगे तो ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है एक तरीके से हमने ऐसा कर दिया दो अलग अलग तरीकों से पृथ्वी को सेंटर को देखने के नजरिए हैं एक मैं अपने काला चश्मा लगा के देख रहा हूं और एक में जो है बिल्कुल ब्राउन लगा लिया दो हैं ठीक है दो तरीकों से देख रहा हो अर्थ को आपने एक ऐसे कट किया है और एक ऐसे कट किया है ठीक है ये दिखाई दिया आपको समझ में आया कि नहीं आया ठीक अब आप पढ़ क्या रहे हो लेटिट्यूड पढ़ रहे हो लेटिट्यूड तो लेटिट्यूड अभी आपने क्या बोला था कि सर क्या है लेटिट्यूड तो latitude, ध्यान रखना आपने बोला कि एक एंगल है एंगल लोगे तो कुछ पॉइंट चाहिए ना कहीं से तो लोग ऐसे मनमर्जी से थोड़ी शुरू हो जाओगे तो एक पॉइंट चाहिए तो यहां, पॉइंट जो होगा हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ पृथ्वी का जो होगा वो क्या होगा केंद्र होगा ये बना दिया अपन ने इस वाली अर्थ को ले रहे हैं अपन फिर वो बाद में लॉन्गिट्यूट में उसको कर लेंगे पहले इसको ले लो ये सेंटर बना लिया अपन ने अर्थ का ठीक है अब सेंटर हो गया अर्थ का अब प्लीज ध्यान से सुनना सेंटर से जब पहला एंगल होगा सबसे पहली जो एंगल होता है के अर्थ तक तो जो पहला एंगल होगा किसी भी चीज का मान लो यहां पे आपने एक एंगल बनाया तो ये एंगल को देखते से आप बोलोगे कि सर दिस इज 90 डिग्री आप इसको देख के क्या बोल रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल है लेकिन कभी ये 90 डिग्री 45 भी तो रहा होगा कभी ये जो है 20 भी तो रहा होगा कभी 10 भी तो रहा होगा कभी जीरो भी हो सकता है तो मैं वही कह रहा हूं अभी आपको ये एंगल क्या दिखाई दे रहा है जीरो डिग्री दिखाई दे रहा है ठीक है अब अंदर से ला रहे हैं हमारे है ना इमेजनरी है सब इमेजनरी ऐसा मत करना कि कोई लेके आ गया सिर्फ अर्थ के सेंटर से अब मान लो अर्थ के सेंटर से, से मैंने एक एंगल बनाया मान लो टेन डिग्री का बनाया इस पॉइंट तक अर्थ के अर्थ तक आकर टेन डिग्री का बनाया तो टेन डिग्री से जो लाइन बनाओगे ना वो टेन डिग्री लेटीट्यूड होगा एक लैटीट्यूड तो लैटीट्यूड मतलब क्या जो लाइन हम बोलते हैं ना वो एंगल होता है वो एंगल कहाँ से लाते हैं हम लोग सेंटर से लाते हैं ठीक है यहां से देखना दोबारा एक बार अब मान लो फिर से मैं टेन डिग्री नीचे भी तो ले सकता हूँ बट अंतर पता कैसे लगेगा कि नीचे लिखते समय मैं टेन डिग्री को क्या कर दूंगा एस बना दूंगा वॉट इज एस साउथ दक्षिण ऊपर वाले को मैं एन लिख दूँ क्या सर फिर बिल्कुल लिख सकते हो समझ में आया आया कहां से सेंटर से लेना है सर तो आपने दस बनाया ऐसे तो आप ट्वेंटी बना सकता हूं क्या मैं बना दो भैया ट्वेंटी बना दो आप और ट्वेंटी से फिर पृथ्वी पे जो है आप लाइन बनाना उसको धीरे से ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ लिख देना आई बात समझ में यहां तक अच्छा फिर सर ऐसे थर्टी बना दूँ क्या बना दो आप थर्टी बना दो थर्टी क्या थर्टी डिग्री नॉर्थ हो जाएगा नीचे बना दूँ क्या बिल्कुल थर्टी डिग्री साउथ बना दो आप कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे कहां तक बना सकता हूं सर जितना मन करे आप बनाओ लेकिन नाइन्टी पे जाकर रुक जाना क्यों सर नाइन्टी पे क्यों रुक जाऊंगा खुद देख लो मान लो आपने नाइन्टी के पहले सिक्सटी बनाया तो सिक्सटी से जब आप लाइन बनाओगे तो भैया वो लाइन पूरी पृथ्वी पर ही आएगी ना ऐसे सर्कल पूरी होगी ये थर्टी के बनाया आपने ट्वेंटी का बनाया तो ट्वेंटी इधर ये ये भी आएगा ऐसे अब खुद सोचो इसके इधर आपने मान लो सोचा कि मैं एक सौ दस बना लूँगा एंगल वो एक सौ दस प्रैक्टिकली घुमा फिरा के यही वाला एंगल होगा जो आपने यहाँ बनाया था इस पॉइंट पे तो मैग्जिम कितना बना सकते हैं मैक्सिमम कितना बना सकते हैं तो मैक्सिमम आपने जो एंगल बनाया वो प्रैक्टिकली आपने 90 डिग्री तक बनाया तो कहने का मतलब ये एंगल है लेटीट्यूड सबसे पहले मैं इसके यूज हर चीज सिखा दूंगा बट सुनना ध्यान से पहले ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं मैंने बोला है कि हमने एक लैटिट्यूड का एक पैटर्न लिया है जो अर्थ के सेंटर से है प्लीज फोकस करना प्रैक्टिकल चीज हो क्या रही है ये अब सामने टू डी में समझ लो कि ये पृथ्वी है अपनी ये इसका सेंटर हो गया पहला जो एंगल बनाओगे आप दैट विल बी ओवर जीरो डिग्री वो इक्वेटर हो गया ठीक है आई बात समझ में अब मान लो जीरो डिग्री से आपने टेन डिग्री का एंगल बनाया अब इसके कंपैरिजन में किधर गए आप नॉर्थ में गए ना ऊपर तो ये वाली जो लाइन यहां से बनाओगे पूरी अर्थ पे जो चलेगी दैट विल बी ओवर टेन डिग्री नॉर्थ मान लो इससे आपने एक एंगल यहां बनाया ट्वेंटी डिग्री का तो वो पूरा क्या होगा आपका ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ ऐसे नीचे भी बना सकते होगा तो जितने आप एंगल बनाते जाओगे वो लाइन ऐसी चलती जाएंगी तो हर बुक्स में ये एंगल कभी नहीं दिखाते हैं कोई आपको डायरेक्ट लाइन दिखा रहे होते हैं तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या प्लीज ध्यान से सुनना कि यदि यहां लिख के किसी ने 25 डिग्री नॉर्थ लिखा है तो मैं ये समझू क्या कि वो एंगल सेंटर से लिया गया है 25 डिग्री बिल्कुल समझना है आपको वही समझना है आ रहा है आनंद आ रहा है समझ में आ रहा है लेटिट्यूड कहां से लिया है और पता कैसे लगेगा कि नॉर्थ में है कि साउथ में पहचान है इसकी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ तो बस अब आप इधर देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी इक्वेटर है और मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाकर हमने इसके एंगल बनाए हैं तो ऊपर एन एन लिखा रहेगा सब में टेन डिग्री एन ट्वेंटी एन 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 तो जितनी आप लाइन बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे ये ठीक है ऐसे नीचे आप बनाते जाओ तो करीब करीब आप नाइन्टी तक पहुँचोगे अब सुनना इसका फ़ायदा क्या हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दस मिनट पहले रिवाइंड करो अपने आप को और मैं पूछूं अचानक कि कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो थर्टी डिग्री नॉर्थ पे बैठा हुआ है दस मिनट पहले बता नहीं सकते थे आप कि पृथ्वी के किस हेमिस्फीयर में गोलार्ध याद आ रहा है गोला आधा किस हेमिस्फीयर में ये पता नहीं लग पाता लेकिन इस वैल्यू से आपको पता लग गया कि वो कहां बैठा है आपने तुरंत देखा यार नॉर्थ लिखा है इक्वेटर जीरो डिग्री होता है इसके ऊपर थर्टी डिग्री नॉर्थ है मतलब ये नॉर्थ वाली लाइन ये यहाँ कहीं तो घूम रहा होगा बट अभी फिक्स नहीं कर पाओगे आप क्योंकि अभी एक लाइन और बाकी अपनी दैट इज लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे तो वो ऐसी लाइंस आएंगी उससे आप फिर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको कहीं भी फिक्स कर देना उसमें ईस्ट और वेस्ट पहचान रहेगी लेटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ पहचान रहती है समझ में आ गया कि ये ऐसी लाइन्स जो है क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग दो लाइन्स चाहिए होती हैं बचपन से टेंथ में मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन चाहिए होती है किसी को भी एक तरह से प्लॉट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं आपसे कहूं करिए तो इस को मार करोगे? कोई एक तभी तो आप बता पाओगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की मदद लगती है ठीक है खैर ठीक है अभी थोड़ा पढ़ते हैं आगे और डिटेलिंग चलती रहेगी अभी तो।, तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कि जो है वो एक डिस्टेंस है किसी भी प्लेस का प्लीज ध्यान से सुनो अर्थ पे कोई भी प्लेस है मान लो पीवन ठीक है नॉर्थ और साउथ नॉर्थ और साउथ ऑफ द लाइन दैट वी इमेजिन अराउंड द द ऑफ अर्थ इक्वेटर के इससे हम लोग इमेजिन करने का प्रयास करते हैं एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कि अर्थ के सेंटर से लेते हैं नॉर्थ और साउथ की मान लो फिफ्टी का एंगल लिया फिफ्टी डिग्री ठीक है नॉर्थ साउथ से पहचान है लेटीट्यूड की आ गई बात समझ में भैया यहां तक सबको चलो आगे बढ़ जाओ अब देखो यहां पर क्या लिखा हो पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड कुछ नहीं है बहुत सिंपल भाषा है ये देखो ये पृथ्वी बनाई ये जीरो डिग्री बनाया ऐसे आप लाइन बनाते चले जाओगे ठीक है आखिरी वैल्यू आपका जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा नाइनटी डिग्री हालांकि लाइन नहीं बना पाओगे वो डॉट रहेगा नॉर्थ इसके बाद में आप बनाते गए बनाते गए बनाते गए नीचे नाइनटी डिग्री साउथ अब पढ़ो इसको पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड खुद बताओ ना ये लाइन यहां से आप चलना शुरू हुए कोई लाइन बनाई आपने पूरे अर्थ पे पूरे अर्थ पे लाइन बनाई तो क्या एक दूसरे से टकरा जाएंगी क्या वो समांतर लाइन है ना ये मान लो जीरो पे घूमा मैं ये तो पूरा घूम रहा हूं दिस इज द लैटिट्यूड टेन डिग्री थोड़ा ऊपर आया टेन डिग्री लैटिट्यूड कहीं किसी से टकराई ये ट्वेंटी से जाके ट्वेंटी वाला टेन से टकरा गया नहीं समांतर रेखाएं हैं आर समझ में आ गई बात अब कोई दिक्कत किसी को तो ध्यान रखना तो इसलिए वो कह रहा है कि सभी जो है वो पैरल है अपने आप में ठीक है और इक्वेटर से पोल की तरफ आप जब बढ़ोगे तो ये चीज आप देखते आ रहे हो अच्छा फिर एक बात बताओ क्यों ये यूपीएससी इस तरह के खबाली तो पूछता है ये पूरा सर्कल बनाओगे जीरो डिग्री का ऐसे आपने टेन डिग्री का बनाया ऐसे ट्वेंटी का बनाया ऐसे करते 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 आप गए तो ये सर्कल जो है सबसे छोटा वाला पोल का होगा कि इक्वेटर का होगा सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट सर्कल जो रहेगा टुवर्ड्स पोल रहेगा कि इक्वेटर आंसर सबसे चाहिए मुझे जितने बैठे हो बताओ जल्दी बताओ कहां से चाहिए आप कहां से लोगे उस चीज को पोल और फिर घुमा दिया क्वेश्चन की द ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कल कौन सा होगा सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा इक्वेटर वाला फिर बस वही कह रहा है पैरेलल भी है इक्वेटर से पोल पे इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल रहेगा आगे बढ़ जाओ अब ये दोनों चीजें आपको दिखाई देने लगी हैं कि सर दिस इज इक्वेटर ये कुछ ऐसी लाइंस आप बना सकते हैं इनको लेटिट्यूड कहेंगे जो ऐसे वर्टिकल वाली रहेंगे इनको लॉन्गिट्यूड कहेंगे <coughs> लॉन्गिट्यूड के लिए ये वाला एंगल ले लेंगे हम लोग सेंटर से ऐसे वाले करेंगे पढ़ेंगे आगे लॉन्गिट्यूड अब देखते हैं जरा क्या है अब आगे बोल रहा है कि कुछ लेटिट्यूड बड़े काम के आने वाले हैं पहले ही समझ जाओ एनसीआरटी बोल रही होती है आगे ये काम आएंगे पहले पढ़ के जाओ क्या काम होगा इनको अपन सीखेंगे ना पढ़ने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ देखो आप कोई भी वैल्यू मैंने जो बनाई है जितनी भी मार्क कर रहा हूं ठीक है इस समय वैल्यू के बाद या तो नॉर्थ हो या साउथ है ईस्ट वेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है आप बताओ ईस्ट वेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है आप बताइए बताइए जल्दी बताओ कहीं भी ऐसा लग रहा है आपको कि ईस्ट वेस्ट कहीं दिख रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा मतलब क्या हुआ ये जीरो डिग्री पहली वाली लाइन देखो लगभग ये यहाँ पर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ आ सकता है आगे आने वाली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ही क्यों लिया ट्वेंटी सेवन क्यों नहीं लिया बट अभी पढ़ते समय तो पढ़ना ही पड़ेगा जो एनसीईआरटी कह रही है फिर तो आगे हम सीख लेंगे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ वो फिर दोबारा कह रहा है लेकिन एक नॉर्थ लगाने को कह रहा है एक साउथ लगाने को कह रहा है

बिकॉज यहाँ ओशियन है आप ऐसे याद कर लो आर्कटिक और ऐसे नीचे क्या कर रहा है अपने तो लाइन तो जीरो डिग्री है अपनी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ये सिक्सटी सिक्स एंड नॉर्थ ये कैप्रिकॉन नीचे और ये अंटार्कटिका नीचे एक होमवर्क कर लेना कभी समय मिले तो जिनको आज से शुरू जिन्होंने किया है बेसिक से कि ये लाइंस को देखना कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है कंट्री मत पढ़ना अभी कंट्री मैपिंग में करेंगे हम लोग पहले आप देख लेना है ना तो ये अपनी कैंसर वाली हो गई ये कैप्रिकॉन वाली लाइन हो गई तो इंडिया किससे गुजरता है क्यों इंडिया का किससे रहेगा सर कैंसर रहेगा ये देखो इंडिया कैंसर वाली लाइन से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ नॉर्थ पहचान में है भारत भी नॉर्थ में ही रह रहा है ठीक है आगे बढ़ो यहां तक समझ में आ गया अब क्या कह रहा है वो प्लीज ध्यान से सुनेंगे ये सब कुछ क्लियर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर सब क्लियर अब इसका फायदा अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से इन्होंने एनसीआर बढ़िया से बनाई है लेकिन अब जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही करते हैं सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं पहले मैं ये जो चीज पढ़ाने वाला हूं आगे वो रिजल्ट है, है ना डायरेक्ट रिजल्ट है इसके पीछे आपको बहुत बड़ा एक वाई वाला क्वेश्चन उठने वाला है एंड दैट क्वेश्चन जो होगा वो डिमोलिश हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर थ्री में समझ में आई बात समझ में आ गई मैं डायरेक्ट रिजल्ट सिखा रहा हूं और इसमें आगे की जो बात आई वो चैप्टर नंबर थ्री में आएगी सर तो इस चीज को थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो पहले हम रिजल्ट पढ़ लेते हैं और फिर इंतजार करेंगे चैप्टर थ्री का उसमें इसके रीजन समझ में आ जाएंगे थोड़ी देर तो रुक ही सकते हैं हम लोग चलो तो आगे बढ़ते हैं प्लीज ध्यान से सुनेंगे ये हो गई अपने अर्थ टॉपिक का नाम है हीट जोन हीट जोन मतलब जो ताप स्थल होते हैं आपके कितनी जगह है तापमान की बात कर रहा है तो प्लीज सुनिएगा बहुत अच्छे से ठीक है ये लाइन इन्होंने लिखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये लाइन लिखी है कैप्रिकॉन मतलब ये वाला ये कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड अ हाफ नॉर्थ और ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ इस एरिया को इस वाले एरिया को इनके अकॉर्डिंग एनसीआर कह रही है कि टोरिड जोन बोला जाता है ठीक है टोरिड जोन हिंदी में कटी बंध। कटी बंध का मतलब होता है क्षेत्र क्षेत्र मार्केट में आपको ट्रॉपिकल भी वर्ड दिखेगा घबराने का नहीं ठीक है ट्रॉपिक्स के बीच में तो क्या हुआ टोरिड का कहने का मतलब क्या है वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का प्लीज ध्यान से सुनेंगे पृथ्वी का ये वो एरिया होता है कौन सा टोरिड जोन जहां पे मैक्सिमम हीट सबसे ज़्यादा गर्मी हीट सो दिस मैक्सिमम हीट ऐसा क्यों सनलाइट 90 डिग्री का एंगल लगभग बना रहा होता है मतलब डायरेक्ट सनलाइट पहुंचता है यहां so, सो प्लीज ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं ये जो एरिया है इसको टोरिड जोन जो कह रहे हैं ये एरिया है मैक्सिमम हीट का ऐसा वो कह रहे हैं मैंने पूछा था वाई निकलेगा आपके दिमाग में चैप्टर नंबर थ्री में सब बता दूंगा चिंता मत करना सो मैक्सिमम हीट मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी ये सनलाइट है डायरेक्ट पहुंच रहा है एंगल जो है नाइन्टी डिग्री का बनेगा और बिल्कुल कभी आप देखना उन्होंने बढ़िया से एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीआर में टॉर्च वाला कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ पे जब आप इफेक्ट होगा तो बिल्कुल सीधा लाइट भी आएगा इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी थोड़ा सा एंगल कम किया हमने कम करने से क्या होता है कि फिर रेस जो है वो सीधी नहीं जा पाती आगे सब सीखेंगे हम बट टोरिड जोन को याद रखना टोरिड हो चाहे ट्रॉपिकल हो बात एक ही है आज के बाद फिर क्या करें सर हम दो बातें बस फाइनल दिमाग में रख लो कि आज के बाद कोई अपने से पूछ ले कि ट्रॉपिकल टोरिड वर्ड क्या है तो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए सर आप पृथ्वी के उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं जो कैंसर कैप्रिकॉन के बीच में है उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं जहां सूर्य बिल्कुल डायरेक्ट आने का प्रयास करता है सीधी रोशनी आती है और गर्मी वहां ज्यादा होती है इतना करो वाई का आंसर ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे समझना वो कह रहा है कि साल में एक बार तो जो है इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा ओवरहेड मिलेगा सर ओवरहेड ओवरहेड का मतलब होता है बिल्कुल सर पर नाइनटी डिग्री पर सो दिस रीजन ये होगा इसको मैं और क्लियरली बता देता हूं ये मैक्सिमम हीट प्लस ओवरहेड व्हाट इज ओवरहेड ये सनलाइट है और ये आपके ऊपर बिल्कुल सीधा आने का प्रयास कर रहा है 90 डिग्री सामने सर पे दिस इज ओवर हेड ठीक है अब समझ में आ गए छोटे छोटे वर्ड बहुत काम के हैं इसमें इसके बाद में वो क्या कह रहा है देखो अब अगला द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लेटिट्यूड पे बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन सुन लो वो कह रहा है कि कैंसर और कैप्रिकॉन के ऊपर कैंसर एंड हाफ के ऊपर और यहां पर कभी भी दिन में बारह बजे भी सनलाइट नाइंटी डिग्री का एंगल नहीं बनाता मतलब यहां बना देगा यहां बना देगा बट यहां नहीं बना पाएगा ये ऐसा कह रहा है अब क्यों तो उसका कारण मिलेगा आपको ठीक है मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वाला एरिया अब हम दूसरे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं टेम्परेट एरिया 66 तक 23 से 66, 23 से 66, ये वो एरियाज हैं जहां पे सनलाइट जो है वो ओवरहेड नहीं होता है ठीक है ध्यान रखना मतलब आप ये कह सकते हो कि नाइंटी डिग्री का एंगल नहीं बना रहा होता कभी भी साल भर में ठीक है तो द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवर हेड ऑन एनी लेटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इसके बियॉन्ड में नहीं बनाएगा ठीक है दूसरी बात यहां से मिलेगा आपको क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्स में कौन सा वाला डिक्रीजिंग towards द पोल ये शब्द को याद रखेंगे कोशिश करो एक बार कमेंट में लिख सकते हो तो डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल क्या है सर ये? डिक्रीजिंग towards द पोल क्या है समझ लेते हैं इसको भी देख लो जरा जल्दी से डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल का मतलब ये कहना चाह रहा है वो देखो ये सनलाइट है ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो ये एंगल जो है ये एंगल जो है ये नाइनटी डिग्री का नहीं है ना अब कम हो गया है. ठीक है ये एंगल जो आ रहा है एक्चुअल में पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कम आ रहा है मतलब नब्बे से कम हो गया ये नब्बे से कम हो गया और ये देखोगे तो एकदम नाइन्टी डिग्री ये प्लेन बना लो ऐसे ये नाइन्टी डिग्री ऊपर जाओगे तो ये एंगल जो है कम होता चला गया ये देखो कम होता चला गया ये देखो कम होता चला गया सो जितना पोल की तरफ जाओगे डिक्रीजिंग टूवर्ड्स तो पोल आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बहुत छोटी छोटी देखो एनसीआरटी कितना सिखाने का प्रयास करें और जब एंगल छोटा बनेगा कभी मोमबत्ती रख लेना नाइन्टी डिग्री का हाथ रखा मैंने भाई साहब मज़ा आ गया जो है गर्मी लग रही है क्यों आपका और इसका एंगल बिल्कुल नाइन्टी डिग्री थोड़ा ऐसा कर लो आप कम कर लो एंगल तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी बस ये कहना चाह रहा है ये सनलाइट है पृथ्वी जहाँ सामने दिख रही है वहाँ ज़्यादा गर्मी है और जहाँ थोड़ी सी टिल्टेड वाले एरियाज़ में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर कम हो गई ठीक है थीके? इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं हीट बेल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग है ना विद द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नदन एंड साउथ हेमेस्फियर उनको सबको हम लोग जो है क्या कह रहे हैं जोन अभी बताया मैंने हिंदी माध्यम के छात्र यदि उष्ण है तो इसके ऊपर वाले 66 तक जो होंगे वो क्या होंगे शीतोष्ण शीतोष्ण शीत भी है और उष्ण भी है इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए ठीक है नाउ नेक्स्ट वन अब तो समझ में आ गया कि सर जो है जितने आप एंगल कम करते जाओगे इस बेचारे पोल की स्थिति का भी तो सोचो कितना नाम में फ्रिज लिखा है देखो इसका हाँ हाँ फ्रिजड जोन कुछ नहीं है 66 से 66 एंड हाफ से 90 तक आप जाओगे तो इन एरियाज को हम कहते हैं फ्रिजड जोन फ्रिजड जोन समझ में आ गई बात तो हीट बेल्ट समझ में आ गए मतलब जनरली आप इधर आप आओगे तो आपको वो कह रहा है कि बिल्कुल स्लेंट ट्रेज होती हैं स्लेंट मतलब बिल्कुल तिरछी और बिल्कुल लेस हीट वाला हिस्सा और यहां पर इसलिए उसको हम फ्रिजिड जोन कह रहे हैं ठीक है मतलब सनलाइट यहां पर प्रॉपर पहुंच ही नहीं पा रहा कहने का मतलब ये हुआ तो यह डायग्राम से आप और समझ सकते हैं कि टेम्परेट एरिया और आर्टिक सर्कल तक यह टेम्परेट एरिया कह रहे हैं उसके पहले तक हम टॉरिड कह रहे हैं और पोल वाले फ्रिजिड कह रहे हैं ठीक है आ गई बात समझ में चलिए उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी ठीक है कल आखिरी पार्ट रहेगा इसका वी विल डिस्कस द लेटीट्यूड एंड टाइम बिल्कुल अच्छा टॉपिक है नए से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा फ्रेश माइंड रहेगा आप लोगों का भी और चीज़ें हम लोग इसको तो कल जितने आज करीब सात सौ के आसपास लाइव दिख रहे हो मुझे सो कल हम लोग फिर मिल रहे हैं ठीक है इस टॉपिक को एक्चुअल में थोड़ा आप सही माइंड से समझना आप कल भी खुद ही कहोगे कि हाँ सर तो कल मिलेंगे सर हम करेक्ट नौ बजे ठीक है तो क्या क्या पढ़ लिया बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया हाँ सर हीट बेल्ट पढ़ लिया कि ये लेटिट्यूड आया कहाँ से ये पढ़ लिया क्योंकि कल थोड़ा लॉन्गिट्यूड को समझेंगे उसके बाद फिर टाइम पे आएंगे तो कल लॉन्गिट्यूड की स्टोरी है आज हमें लेटिट्यूड से गर्मी का पता लग गया कल लॉन्गिट्यूड से टाइम देखना सीख लेंगे ठीक है चलिए तो कल मिल रहा हो कि नहीं नौ बजे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल सब यहां पर मिलेंगे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और जिनको इस बार एग्जाम देना है भैया ध्यान रहे कि इस बार जो है आ चुका है नोटिफिकेशन और अन अकेडमी पर भी जो है नए बैचेस प्रारंभ हो गए हैं और फ्री टेस्ट को देना नहीं भूलना है सबको ये अनकेडमी कॉम्बेट इस कॉम्बेट को आप रजिस्टर कर सकते हैं इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी ये कोड का इस्तेमाल करें फॉर एनअमी सब्सक्रिप्शन एस जी वाई टी वन जीरो इसको भी लिख के जाना कमेंट में सब लोग जी हाँ उसके बाद में जो है यहां पर आपको दस मार्च से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं अन पर जो कि प्रिलिम फोकस्ड बैच है बायोलिंगल इंग्लिश माध्यम बिल्कुल और दस मार्च से लगभग आने वाले तीन चार महीनों में आपकी बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी तो ये चीज़ और दूसरी बात शेयर ज़रूर कर देना लेसन्स को ठीक है और भी मैंने लेसन्स बनाए हुए हैं आपको लगता है तो आप उनको भी देख सकते हैं इसके बाद में जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को हो सके तो और जितना हो सके आप आप ही लोग शेयर कर पाएंगे बेस्ट लेवल पे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच और याद रहे ये सिर्फ सीरीज़ आप ही लोगों ने शुरू कराई है आप ही लोगों से ही चल रही है ओके चलो सो पढ़ते रहिए अब हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ते हैं और ये नोटिफिकेशन को याद रखना जितना जल्दी हो सके आप उसको जो है फॉर्म को भी फिलअप कर दीजिए थैंक यू सो मच